त्रेता में श्री राम माँ सीता लक्ष्मण बन जाते समय तीन रात्रि पूजा विश्राम किए तब चित्रकूट को गए। के भगवान शनिदेव महाराज हैं, इनकी कृपा जिस पर हो जाए कलयुग में उसकी प्रगति हो जाए। तो ये मूल अक्षयवट जड़ है जो आप ऊपर किले में देखते हैं। यहाँ पे देखिए बाबा जी ने बताया कि ये कई बार कटाया गया, लेकिन आप देखिए कितनी विशाल जड़े हैं। तो प्रयागराज में आइए तो इस किले में आकर इस अक्षयवट के विशाल वृक्ष को जरूर देखें, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अलौकिक। नमस्कार साथियों, इस समय हम देखिए प्रवेश द्वार श्री अक्षयवट मंदिर पातालपुरी। तो हमारे साथ हैं, बोलिए अपना नाम बोलिए। देखिए एक हाथ से थोड़ा सा विकलांग है इस समय, श्री राजेंद्र पांडे जी और अमित पांडे जी के साथ। देखिए फोटो खींचना मना है यार, अब बताइए। हम सीसी कैमरे के नजर में हैं तो आगे नहीं दिखा सकते, क्योंकि प्रशासन की गाइडलाइन यह है कि फोटो खींचना मना है, लेकिन वीडियो बनाना तो अलाउ है ना। इसमें तो यही लिखा है कि फोटो खींचना मना है। तो देखिए सर, इस समय हम लोग किले के अंदर ये ऊंची ऊंची रैंप बने हुए हैं, प्रवेश कर रहे हैं, अक्षयवट मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए श्रद्धालु लोग लौट रहे हैं, तो अक्षयवट मंदिर में आपका हार्दिक स्वागत है। ये आप देख सकते हैं इस समय हम अक्षयवट धाम, ये अकबर के किले में इस समय हम लोग मौजूद अक्षयवट धाम में मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं अक्षयवट धाम मंदिर का। फिर यहाँ पे बैठे पुजारीगढ़। ये किले में के अंदर ये अकबर द्वारा निर्मित किला है, और इसी में अक्षयवट मंदिर की तरफ जो है हम लोग बढ़ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं इस समय हम चल मन प्रयाग अक्षयवट त्रिवेणी पातक हरणी माता पिता का तर्पण करके पूर्ण करो। तो ये अक्षयवट मंदिर धाम की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। देखिए जहाँ आप लोग आए, ये चार युग का स्थान, चार युग से अक्षयवट जी की पूजा हो रही, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग में हरि विष्णु बालक का रूप लेकर के अक्षयवट के पत्ते पर दहने पांव का अंगूठा चूसते हुए दिखाई पड़े। ये तब की बात है जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे, इसके गवाह बने मारकंडे जी। त्रेता में श्री राम माँ सीता लक्ष्मण बन जाते समय तीन रात्रि पूजा विश्राम किए तब चित्रकूट को गए। बन पूरा होने के पश्चात अपने पिता राजा दशरथ का पहला पिंडदान यहाँ किया अमूल्य में, दूसरा काशी, तीसरा गया, तभी से पिंडदान की प्रथा शुरू हुई। द्वापर में श्री कृष्ण भगवान आए, पांच पांडव आए, अज्ञातवाद में गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। कलयुग में हम आ पाते हैं बाबा दर्शन करने, वे महाकलेश्वर श्री हरि विष्णु माँ दुर्गे की आरती है। तो साथियों इस समय हम देखिए अंदर की गलियों में हैं, और हम अक्षयवट मुख्य मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं, मूल जड़ की तरफ, और अक्षयवट मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। ये देखिए अंडरग्राउंड जो गली बनी है उसी से हम लोग अंदर जा रहे हैं। तो देखिए अक्षयवट मंदिर के अंदर स्थित शिवलिंग है, और यहाँ पर बहुत सारे देवी देवताओं की मंदिर है, माता पिता को तर्पण करने वाले तमाम देवी देवताओं की मूर्ति अक्षयवट मंदिर के अंदर का जो है प्रांगण है। ये मूल अक्षयवट जड़ है जो आप ऊपर किले में देखते हैं। यहाँ पे देखिए बाबा जी ने बताया कि ये कई बार कटाया गया, लेकिन पुनः यहाँ चूंकि हवा और पानी और धूप तो मिलती नहीं, इसलिए जड़ पतली है, और यही मूल वृक्ष है, और जो ऊपर आगे जाकर जो है एक विशाल वृक्ष के रूप में आपको दिखाई पड़ता है। तो बहुत ही पावन स्थल है, प्रयागराज आइए तो इस अकबर के किले में स्थित अक्षयवट मंदिर का दर्शन अवश्य आप करें और पुण्य का सहभागी बने। देखिए साक्षात शनिदेव महाराज के सामने दीप प्रज्वलित है, के भगवान शनिदेव महाराज हैं, इनकी कृपा जिस पर हो जाए कलयुग में उसकी प्रगति हो जाए। तो प्रयागराज के इस किले में आइए और महाराज शनिदेव के अद्भुत दर्शन आप करिए, अद्भुत है यहाँ का मनोरम दृश्य। संतों की बहुत ही सुंदर प्रतिमाएं बनी हुई हैं। देखिए साथियों ये गुप्त दान है, जहाँ पर कहा जाता है जनश्रुतियों में कि माता सीता ने आकर यहाँ पर गुप्त दान किया था, और ये लोग यहाँ पर दान करते हैं और किसी से कहते नहीं हैं, और ये गुप्त दान स्थल है जो
माता सीता द्वारा यहाँ प्रदान किया गया था, जैसा कि यहाँ के पुजारियों द्वारा जनश्रुति के हिसाब से बताया कि देखिए शिवलिंग है जो कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छी यहाँ पे मूर्तियां बनी हुई हैं तमाम देवस्थानों की, तमाम ये देखिए हनुमान बजरंगबली। तो कभी भी अगर आप आइए तो प्रयागराज में, तो इलाहाबाद के इस किले में आकर आप इन स्थलों का जो है दर्शन अवश्य करें। अद्भुत मंदिर है यह और प्रयागराज वासी तो आते रहते हैं, अगर कोई भी बाहर से आए तो अक्षयवट मंदिर के अंदर स्थित इस स्थल को आप जरूर अवलोकन करें। यही मूल वृक्ष है जिसकी जड़ें हमने आपको नीचे दिखाई और इसी पर लोग परिक्रमा करते हैं और अपने लिए मनोकामनाओं मानते हुए इसमें धागे बांधते हैं। आप देख सकते हैं ये प्रयागराज अक्षयवट मंदिर जिसपे तमाम श्रद्धालु आकर इस पे धागे बांधकर अपने लिए प्रार्थना और प्रेयर करते हैं। तो पवित्र वृक्ष माना जाता है ये, तमाम दूर दराज से लोग आके इस अक्षयवट मंदिर को मैं दिखाना चाहूंगा। आप देखिए कितनी विशाल जड़े हैं। तो प्रयागराज में आइए तो इस किले में आकर इस अक्षयवट के विशाल वृक्ष को जरूर देखें, बहुत ही अद्भुत बहुत ही अलौकिक ये प्रयागराज अक्षयवट मंदिर। सरकार ने इसे आम दर्शनिकों के लिए खोल दिया है, तो बहुत ही अलौकिक बहुत ही विशाल वृक्ष अक्षयवट जो कभी जिसका क्षरण नहीं हो सकता वह अक्षयवट है। ऐसा वट जो अक्षय है तीनों युगों से, सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग चारों युगों में, आज कलयुग में भी यह विद्यमान है इसी प्रयागराज के इस अकबर के किले में जो संगम नगरी प्रयागराज आने दर्शनार्थियों के लिए आकर्षण का केंद्र होता है। तो इसी के साथ हम वीडियो खत्म करते हैं साथियों, फिर मिलते हैं किसी प्रयागराज के ऐसे ही स्थलों से। साथियों ये देखिए प्रयागराज किले में किस तरह से इसमें लाइटिंग लगा के इसको जो है पूरी तरह से कृत्रिम रूप से इसको सजा दिया गया है और हम इस समय प्रयागराज के बाहरी किले के जो इलाहाबाद में देखिए अकबर का किला कितनी अच्छी दीवारों पर पत्थरों से चुनाई की जाती थी। और ये विचार करने वाली बात है कि प्रयागराज में अमूमन ये पत्थर आए कहाँ से। जनश्रुतियों में कहा जाता है कि भीटा के पास इधर चित्रकूट के साइड से यमुना नदी के उस तरफ से जो है ये पत्थर लाए गए थे और इन दीवारों में जो है इसको गारे की मदद से सुसज्जित किया है। बहुत ही अच्छी कह सकते हैं इंजीनियरिंग रही होगी उस समय मध्यकाल की। आप देख सकते हैं अब हम लोग बाहर निकल रहे हैं, यही मुख्य जो है आम जन के लिए खुला है, बाकी आप देखिए उधर भी लोग जा रहे हैं लेकिन वो अच्छा वो बाहर जाने का रास्ता होगा। नहीं वो अक्षयवट ब्रिज तो देखे ना वहाँ पे, ये देखिए किस तरह से पत्थरों को चुनाई की गई है किले में। इलाहाबाद किले का ये बाह्य आवरण है जिसको हम दिखा रहे हैं, वो देखिए खिड़कियां कैसे बनती थी, छोटी सी खिड़की और ये देखिए बालकनी इसको कहते हैं। जैसे आज हम लोग अब अपने घरों में छज्जे और बालकनी देते हैं, देखिए यहाँ से लोग लोकेशन पे नजर रखते थे और आने वाले लोगों को झरोखा दर्शन भी कराते थे। तो ये देखिए किस तरह से बालकनी बनी हुई थी, किस तरह से जो है पटरी या लकड़ी के सहारे बालकनी दी जाती थी और पत्थरों को देखिए किस तरह से कितने स्ट्रांग पत्थर और किस आप देख सकते हैं इंजीनियरिंग देख सकते हैं, थोड़ा सा भी पत्थर इधर उधर नहीं है और किस तरह से बालू और का जो गारा होता है उससे ये जो है ये इतना स्ट्रांग किला बनाया गया है। ये अकबर द्वारा निर्मित इलाहाबाद का किला का बाह्य आवरण आप देख सकते हैं और ये देखिए ऊपर आप देखा हम आपको दिखाते हैं कि देखिए किस तरह से यहाँ भी जो गंगा और यमुना की तरफ ये खिड़की है आप देख सकते हैं कितनी मजबूती के साथ इस किले को डिजाइन करते हुए। ये देखिए ऊपर भी देखिए बनाया गया है छज्जा और वहां से ये लोग चारों तरफ नजर रखते थे। तो बहुत ही अद्भुत स्थापत्य कला का यह नमूना है प्रयागराज में। अमूमन आसपास तो ये पत्थर ऐसे मिलते नहीं, जिस तरह के पत्थर लगे हैं ये सोचने वाली बात है कि अमूमन ये पत्थर आए कैसे होंगे, कैसे इनको इतनी ऊंचाई पर ले जाया गया होगा, कितने लोग कैसे काम किए होंगे, ये कल्पना करना अपने आप में आप समझ सकते हैं कि बहुत ही अविश्वसनीय स्थापत्य नमूना है इस इलाहाबाद किले का।
सच में देख सकते हैं माघ मेला। और इस दौरान जो है ये अभी हम आपको इलाहाबाद किले का वाह दर्शन करा रहे हैं। बाहरी दीवारों को किस तरह से देखिए, बालकनी के सहारे देखिए, इसमें तोते बैठे हुए हैं। एक तोता मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए बालकनी पे बैठा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। तो ये इलाहाबाद किले का वाह आवरण है। अब आप देख सकते हैं किस तरह से बालकनियाँ और खिड़कियाँ होती थी, किस तरह से पत्थरों की चुनाई की जाती थी। तो प्रयागराज माघ मेला, इधर आगे हनुमान मंदिर है, आप देख सकते हैं ये रास्ता हनुमान मंदिर जाता है, ये रास्ता संगम क्षेत्र की ओर जाता है। तो अब यहाँ से हम संगम क्षेत्र की ओर बढ़ रहे हैं और मेले में ऐसी ही कोई अच्छी चीज मिलती है तो आपको जरूर हम इस चैनल के माध्यम से दिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ K9 प्रयागराज वर्ल्ड में। साथियों, आज आपने देखा कि प्रयागराज इस अकबर के किले में जो है अछैवट मंदिर का दर्शन कराया, अछैवट मूल वृक्ष का दर्शन कराया और परिक्रमा का दिखाया, और तमाम मंदिर के अंदर जो नीचे तमाम भगवान शिव के, शनि महाराज के और तमाम देवी देवताओं के जो प्रतिमाएं थी उनका हमने आपको दर्शन कराया, और इस प्रयागराज के इस अद्भुत अलौकिक किले से परिचित कराया, जो कुछ अंश कुछ भाग कह सकते हैं खुला हुआ है, बाकी भाग पर आर्मी रहती है क्योंकि आम जनता के लिए खुला नहीं है। तो ऐसे ही प्रयागराज के स्थलों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए K9 प्रयागराज वर्ल्ड से। मैं कृष्णानंद शुक्ला।